हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेई 2024 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को समझ देते हैं। इन अ प्लेन वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनसोइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इनटू 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज एंड एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 वोल्ट पर मीटर। द टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव इज, ठीक है, ये वेव का क्वेश्चन है। इसमें जो डेटा दिया हुआ है उसको एक दिया हुआ है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यहाँ एम्पलीट्यूड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 50 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻¹⁰ हर्ट्ज। हमसे पूछा गया है कि इस ईएम वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, वो पूछा गया है कितना है। तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा, कितना होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये ई स्क्वायर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ईएम वेव, ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पुट कीजिए 8.85 इंटू 10⁻¹⁰ इंटू एम्पलीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और रखिए कितना है 50, और इसका स्क्वायर कर लीजिए 1/2 × 8.85 इंटू 10⁻¹⁰ इंटू 50 का स्क्वायर हम लिखेंगे 2500, ठीक है। अब यहां सॉल्व करते हैं, इसे 2 से कट करते हैं तो कितना हो जाएगा 1250, ठीक है। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो लिख रहे हैं 8.85 इंटू 10⁻¹⁰ इंटू 1250। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगा 1.106 × 10⁻¹⁸, ठीक है, जो किस कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन थर्ड से मैच कर रहा है, इसलिए ऐसा जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू।